गैंगरेप से संबंधित 5 आरोपियों का खुलासा करने के उपरांत एसपी आशुतोष शेखर ने मीडिया के माध्यम से जिले के अभिभावक से गुजारिश किया। कहा, वर्तमान समय में मोबाइल फोन सभी के पास उपलब्ध है, सभी के बच्चे आज ऑनलाइन पढ़ाई तथा अन्य लोग अपने अन्य कार्यों में उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाई एवं अन्य कार्यों के लिए घर से बाहर भेजा करते हैं, लेकिन अभिभावक अपने बच्चों की गतिविधि पर ध्यान नहीं देते। बाहर निकलकर बच्चे एवं युवा किस गतिविधि में शामिल हो रहे हैं, कैसे लोगों के साथ उनका संगत है, इन सब बातों पर अभिभावक को ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि कोई भी गलत संगत में ना पड़े। एसपी आशुतोष शेखर ने यह भी बताया, अगर इस तरह की प्रवृत्ति मन में पैदा हो रही है तो उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। परिजन अपने बच्चों की प्रतिक्रिया पर नजर रखें। अभिभावक यह भी ध्यान दें, आपके बच्चे मोबाइल के जरिए कैसे कैसे लोगों के साथ बात कर रहे हैं या फिर किस प्रकार की प्रतिक्रिया प्रवृत्ति हो रही है, मोबाइल का किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं, किसी से मिलना जुलना और संगी साथियों के साथ, इन सब पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता की बात कही है। उन्होंने परिजनों से गुजारिश करते हुए कहा है कि इस तरह की घटना भविष्य में हो तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दे, ताकि पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को सजा दे सके। भविष्य में किसी के साथ इस तरह की घटना ना हो, इसलिए इस तरह की घटना को सही समय पर रोका जा सके। खूंटी से P3 न्यूज झारखंड के लिए देखिए गौरव कश्यप की एक रिपोर्ट। माध्यम से हम लोग खूंटी पुलिस की तरफ से एवं एक सामाजिक स्तर पर भी आप लोगों के माध्यम से सभी से यह अनुरोध करना चाहेंगे कि आपके बच्चे वर्तमान में मोबाइल फोन की अवेलेबिलिटी सबके पास है, सब लोग पढ़ाई लिखाई करने के लिए और अन्य कार्य करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन आपके बच्चे घर से बाहर निकलकर किस गतिविधि में शामिल हो रहे हैं, किनकी साथ उनकी संगत है, इन सब बातों पर भी अभिभावकों को ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि बच्चे कोई भी गलत संगत में ना पड़े और कहीं भी इस तरह की प्रवृत्ति अगर उनके मन में पैदा हो रही है तो उसको कंट्रोल करना एक बहुत ही इनिशियल स्टेज पे अभिभावक अगर सतर्क रहेंगे, घर के लोगों को सतर्क रहेंगे, सामाजिक स्तर पे अगर ये जागरूकता रहेगी तो हम लोग इस तरह की प्रवृत्ति को रोकने में बहुत हद तक सफल रहेंगे। तो आप लोगों के माध्यम से हम लोग फिर से सबसे गुजारिश करना चाहेंगे, सबसे अनुरोध करना चाहेंगे कि अपने बच्चों का थोड़ा ध्यान रखें, उनकी एक्टिविटीज पर थोड़ा ध्यान रखें, वो किस तरह अपने मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, किन लोगों से मिलना जुलना कर रहे हैं, उनके संगी साथी कैसे हैं, इन सब विषयों पर ध्यान रखें, ताकि इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो और अगर इस तरह की प्रवृत्ति किसी के अंदर पैदा हो रही है तो उसको ससमय रोका जा सके।